हेमू कालाणी 23 मार्च 1923 में पुराणे सखर जे पैसूमल कालाणीअ जे घर में पैदा थियो। संदसि वालिद पैसूमल ठेकेदारीअ जो कमु कंदो हो। हेमू कालाणीअ जो असल नालो राही हेमन हो, जॾहिं त हेमू खेसि प्यार मां कोठियो वेंदो हो। जॾहिं समूरे हिंदुस्तान में आज़ादीअ लाइ वेठ जारी हुई ऐं उन वक़्त जा सूरमा पंहिंजी धरतीअ माउ जे आजपे लाइ चानियुनि जा नज़राना ॾेई रहिया हुआ, तॾहिं सखर जे हिन नौजवान में पिण सिंध जी आज़ादीअ जे लाइ चिणंग दुखी रही हुई। 1942 ईस्वी जो दौरु हो, तॾहिं सिंध में हुर तहरीक ज़ोरनि ते हुई, जॾहिं त विच हिंदुस्तान में महात्मा गांधी हिंदुस्तान खाली करियो वारी तहरीक हलाए रहियो हो। उहो अहिड़ो जज़्बाती दौरु हो जो माण्हुनि जी दिलनि में अंग्रेज़ साम्राज्य लाइ नफ़रत जा आड़ा पे भरिया। अहिड़नि पड़ाॾनि खां सखर जो ई नौजवान तमामु घणो मुतासिर थियो। उन वक़्तु हेमू कालाणी अञा हाई स्कूल जो शागिर्दु हो। संदसि दिलि में आज़ादीअ जी तड़प ऐं अंग्रेज़नि ख़िलाफ़ु धिकार हिन खे बेचैन करे विधो हो। हेमू पंहिंजे साथियुनि सां गॾु दादा थानूर दास गदूमल जी अॻुवाणीअ हेठि ब्रिटिश हुकूमत जे ज़ालिम समाज ख़िलाफ़ बग़ावत शुरू कई। उहा 23 अक्टूबर जी राति हुई, जॾहिं ख़बर पई त फ़ौजनि सां भरियल ख़ासि रेलगाॾी अची रही आहे, जेका सखर खां अॻिते गोला बारूद खणी वेंदी। हेमू खे ॼाण हुई त उहो गोला बारूद ऐं उन रेलगाॾीअ में सवार फ़ौजी आज़ादीअ जे मतवालनि लाइ अज़ाब ऐं कहर साबित थींदा, जंहिं करे हुन संदसि साथियुनि उन रेलगाॾीअ खे किराइण जो मनसूबो रखियो। हिननि गॾिजी वञी रेल जी पटड़ीअ खे उखेड़णु शुरू कयो। ठीक साॻे वक़्त ते हिकु सिपाही नाले फिरोज़ खान खेनि ॾिसी वरितो। हेमू जा समूरा साथी भॼी विया, पर हेमू कालाणी पकड़िजी पियो। हेमू कालाणीअ ते बे इंतिहा तशद्दुद कयो वियो। उन वक़्त में जेकी तशद्दुद करे ॾोहु मञराइण ऐं ईज़ाइण जा तरीक़ा मौजूदु हुआ, उहे इन गभरू जवान ते आज़माया विया। तशद्दुद कंदड़नि खे सिर्फ़ु उन्हनि नालनि जी ॼाण घुरिबी हुई, जेकी ट्रेन जी पटड़ी उखड़ण वक़्तु साणस गॾिजी आया हुआ, पर हिन आख़िर ताईं कंहिं बि साथीअ जो नाओ ज़बान ते न आंदो। लाॻीतो 22 ॾींहनि ताईं तशद्दुद करण बाद हेमू कालाणीअ खे नेठि कोर्ट मार्शल कयो वियो। हिकु भेरो बयान में चयाईं त मूं रेलवे लाइन खे उन लाइ उखड़ण थे चाहियो त जीअं उन में सवार फिरंगी नास थी वञनि, पर मुंहिंजी बदकिस्मतीअ जो नाकाम थियसि। आख़िर सरकार खेसि फाही ॾियण जो ऐलान कयो, जेका शायदि हिकु नाबालिग ॿार खे ॾिनल पहिरीं मौत जी सज़ा हुई। हेमू जी सज़ा मंज़ूर थियण खां पोइ संदसि वकील पीरज़ादे अब्दुल सत्तार संदसि मामे खे मोकिलियो त हेमू खां माफ़ीनामे ते सही वठी अचे त खेसि माफ़ी मिली वेंदी। सिंध जे आला समाजी ऐं सियासी शख़्सियतनि हिन नौजवान जी जान बचाइण जी भरपूर कोशिशि कई ऐं हेमू खे मिंथू कंदा रहिया त हू रहम जी अपील ते सही करे, पर हेमू अहिड़ी माफ़ीअ खां इनकार कंदे चयाईं त मूं अहिड़ो को बि ॾोह नाहे कयो जंहिं ते मूंखे पछताव हुजे, पोइ माफ़ी छा जी। जॾहिं संदसि माउ साणसि मिलणु आई त हुन बि खेसि उहा ॻाल्हि कई त माफ़ीनामे ते सही करे, पर हुन सुर नौजवान ईअं करण खां इनकार करे छॾियो। चवनि था त हू जेल में ख़ुशि रहंदो हो, खेसि ॿुधायल फांसीअ जी सज़ा जो को बि ख़ौफ़ न हो। उते अक्सर चवंदो रहंदो हो त हिननि फरंगियुनि खे हिन देस मां भॼाइणो आहे, जे आज़ादु थियसि त उन खां बि वधीक कमु कंदुसि, जे न त पोइ हिकु बहादुर जी मौत मरंदुसि। हेमू कालाणीअ खे पाण मुरादो माफ़ी न ॾिनी वई। 21 जनवरी 1943 ईस्वी धारे हेमू कालाणीअ पंहिंजी उमिरि जे हिसाब सां अञा नाबालिग हो, जॾहिं खेसि 21 जनवरी 1943 ईस्वी जी सुबुह जो असुर महल खेसि सखर जी स्पेशल जेल में फांसी ॾिनी वई। हेमू कालाणी असां सिंधियुनि जी तारीख़ जो फ़ख्रु जोॻो उत्साहींदड़ ऐं अज़ीम किरदारु आहे। अहिड़ी सुरियाही ऐं साबित क़दमीअ जो मिसाल शायदि दुनिया में न मिली सघे, जो हिकु मासूम ॿारु तख़्तेदार ते फाईअ जे फंदे खे चुमी मौत क़बूलु कयो हुजे।